हेलो एवरीवन सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोर्ट फोर्सेस राउंड 747 फोर्टी सेवन टू का प्रॉब्लम नंबर डी दैट इज नंबर ऑफ इंपोस्टर्स बिफोर मोइंग ऑन मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दी चैनल फॉर मोर सर्च अमेजिंग वीडियोज़ सो यूजअली अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन कंसेप्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन तीन अलग अलग पार्ट्स होते एक वीडियो में लेकिन यहाँ पर मैंने फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट को मर्च कर दिया दैट इज अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन एंड कंसेप्ट यूज क्योंकि ये क्वेश्चन है कुछ इस तरह का है कि आप क्वेश्चन को ठीक तरीके से समझोगे उसी में आता कंसेप्ट कवर हो जाएगा सो दे आर लाइक ओवरलेपिंग पार्ट्स लेटर स्टार्ट द नंबर ऑफ इम्पोस्टर्स थी ऑफ एन एस स्टार्टेड प्लेइंग द न्यू ऑनलाइन गेम कॉल्ड अमॉन्ग दैम

कि आई प्लेयर कह रहा है कि जेथ प्लेयर का रोल सी है अब ये C जो है वो एक स्ट्रिंग है सी हो सकता है इम्पोस्टर सी हो सकता है क्रूमेट ठीक है तो इसका मतलब क्या है इस कमेंट का कि आई प्लेयर कह रहा है कि जे का रोल सी है मतलब कि आई के रिस्पेक्ट में जे प्लेयर है वो सी है सी इम्पोस्टर भी हो, C crewmate हो सकता है सी क्रूमेट हो सकता है बेसिकली अगर हम कहें तो आई के लिए जे अगर क्रूमेट है तो आई और जे सेम टीम में है और अगर इंपोस्टर कहे तो वो दोनों डिफरेंट टीम्स में है ठीक है ओके एन इंपोस्टर ऑलवेज लाइज एन अ क्रूमेट ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ हेल्थ थियोफेनिस फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इम्पोस्टर्स अमॉन्ग ऑल द अदर क्रिप्टिक प्लेयर्स और डिटरमाइन दैट द कॉमेंट्स कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर सी द नोट्स फॉर अदर एक्सप्लेनेशन ठीक है नोट दैट ईच प्लेयर हैज़ एग्जैक्टली वन रोल आइदर इम्पोस्टर और क्रू में ठीक है फिर आगे इनपुट का जो टाइप है वो दिया गया है और कंस्टेंट लिखे है तो एक बार इसको मैं समराइज कर देता हूँ क्वेश्चन को और फिर कंसेप्ट कंटिन्यू हो जाएगा इसमें ही बोला गया है कि एन प्लेयर्स के साथ थियोफेनिस गेम खेलता है अदर एन प्लेयर्स ठीक है वो उसको काउंट करे बिना उनके नंबर से वन टू एन अब ये एन प्लेयर्स एम कमेंट्स करते हैं कमेंट का स्ट्रक्चर है आई जे और सी आई और जे प्लेयर के नंबर है सो आई एंड जे विल बी लेस देन एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन आई विल नॉट बी इक्वल टू जे ठीक है कमेंट में यह भी दिया गया है और ये आई जे सी का मतलब है सी हो सकता है इम्पोस्टर या क्रूमेट क्रूमेट मतलब सेम टीम इम्पोस्टर मतलब हम कह सकते हैं कि डिफरेंट टीम हम एग्जैक्ट मीनिंग पे अभी नहीं जा रहे तो इसका मतलब है अगर आई जे के बारे में कहता है कि वो क्रूमेट है मतलब कि आई कह रहा है कि जे मेरी टीम में ही है वो क्रूमेट है ठीक है तो आई एंड जे आर फ्रॉम सेम टीम अगर ये कमेंट आई जे और क्रूमेट है तो अगर आई जे और इम्पोस्टर है तो आई कह रहा है कि जे है वो बेसिकली ये कमेंट का मतलब क्या है कि आई जे का रोल डिफाइन कर रहा है ठीक है तो आई अगर कहता है कि वो क्रूमेट है मतलब कि जे क्रूमेट है तो आई और जे सेम टीम में है अगर आई कहता है कि जे इम्पोस्टर है मतलब आई एंड जे डिफरेंट टीम में तो पूछा गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्पोस्टर्स हमें बताने हैं ठीक है थीके? ओके और बोला गया है कि या तो अगर कमेंट जो है वो कॉन्ट्रेडिक कर रही है ईच अदर को तो माइनस वन प्रिंट करो ठीक है अब आगे बढ़ते हैं कंसेप्ट और क्वेश्चन को और डीप में समझते हैं तो ये अगर हम क्वेश्चन में और डीप जाए और समझने की कोशिश करें तो पहले तो आखिरी लाइन को समझते हैं क्या बोला गया है कि ईच प्लेयर कैन हैव आइदर ऑफ द टू रोल्स आइदर इट कैन बी इम्पोस्टर और इट कैन बी क्रूमेट तो इससे समझ में आता है कि एट द एंड ऑफ द गेम हमें प्लेयर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है मान लो कुछ प्लेयर्स यहां पे है कुछ प्लेयर्स यहां पे है ठीक है अब आप इनको इम्पोस्टर बोल दो इनको क्रूमेट बोल दो या तो इनको इम्पोस्टर्स बोल दो इनको क्रूमेट बोल दो कोई फर्क नहीं पड़ता क्यों क्योंकि मान लो कॉमेंट्स के थ्रू ऐसा है कि ये इसके साथ इम्पोस्टर है और ये भी इसके साथ इम्पोस्टर रिलेशन है फिर दिया गया है कि ये जो है उसके इसके साथ इंपोस्टर रिलेशन है तो बेसिकली यहां पे कुछ मेंबर्स होंगे जिनका यहां के कुछ मेंबर्स के साथ इंपोस्टर रिलेशन होगा यहां पे कुछ मेंबर्स होंगे जिनका यहां पे कुछ मेंबर्स के साथ में रिलेशन होगा तो आप किसको इम्पोस्टर बोलते हो किसको क्रूम बोलते हो इससे फर्क नहीं पड़ता पहली चीज दूसरी चीज समझते हैं कि यहां पे क्या बोला गया है कि हमें मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इंपोस्टर्स बताने हैं ठीक है ओके तो अगर I कह रहा है कि J है फिर आगे कॉन्ट्राडिक्शन का भी देखेंगे लेकिन अभी मानते हैं कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है अगर I कहता है कि J क्रूमेंट है तो वो सेम टीम में होगा जब हम आखिर में दो टीम्स में डिवाइड करेंगे तो I और J एक टीम में होंगे ठीक है और सामने वाली टीम में उनके इम्पोस्टर्स होंगे ठीक है इसका मतलब हम जब एंड में दो टीम्स में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कुछ मेंबर्स होंगे मान लो P यहाँ पे कुछ होंगे Q और P प्लस क्यू विल भी इक्वल टू एन लेकिन हमें क्या ध्यान में रखना है कि ये जो P मेंबर्स है वो आपस में इम्पोस्टर्स रिलेशन किसी के बीच में नहीं होना चाहिए इन P में आपस में इम्पोस्टर रिलेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी के बीच में नहीं होना चाहिए ठीक है ओके और यहाँ पे देखो यहाँ पे एन नंबर ऑफ पीपल है वो है टेन की पावर फाइव की रेंज के ठीक है तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन्स कितने होने चाहिए एन सी टू अगर सभी दो पर्सन के बीच का रिलेशन जानना हो तो एन सी टू होना चाहिए तो अगर एन टेन की पावर फाइव रेंज का है तो ये टेन की पावर टेन रेंज का होना चाहिए लेकिन एम है कॉमेंट्स कॉमेंट्स बेसिकली क्या है रिलेशन वो फाइव टेन की पावर फाइव तक का ही है इसका मतलब हमें यहाँ पे काफ़ी सारे कमेंट्स नहीं दिए गए इसका मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के बीच में हमें रिलेशन नहीं दिए गए तभी तो वर्ड यूज किया है कि मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इंपोस्टर्स, ठीक है तो काफी सारे रिलेशन हमें अज्यूम करने पड़ेंगे ठीक है किसके लिए नंबर ऑफ इंपोस्टर्स को मैक्सिमाइज़ करने के लिए ठीक है अब आप एक बात समझो अगर मुझे दिया गया है कि ये तीन मेंबर्स हैं, उनमें दो का इसके साथ इंपोस्टर रिलेशन है इसका इसके साथ इंपोस्टर रिलेशन है ये दोनों क्रूमेट्स हैं ये दोनों क्रूमेट्स हैं और ये दोनों भी क्रूमेट्स हैं ठीक है ये क्वेश्चन में दिया गया है तो इनको मैंने यहां पे ले लिया इनको मैंने यहां पे ले लिया ठीक है अब मैंने जैसे बताया कि सभी पर्सन के बीच का रिलेशन हमें नहीं पता तभी तो वर्ड यूज किया है मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इम्पोस्टर्स ठीक है तो अब मान लो ये लोग के बीच में ये रिलेशन दिया है अब कुछ और लोग हैं उनके बीच में रिलेशन है मान लो इन सब का इसके साथ इम्पोस्टर रिलेशन है ठीक है और कुछ नहीं दिया गया है तो मैंने क्या बताया जब हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो आपस में क्रूमेट का रिलेशन हो ना हो आपस में इम्पोस्टर का रिलेशन नहीं होना चाहिए क्योंकि काफी सारे रिलेशन नहीं दिए गए और कॉन्ट्रेडिक्शन का मतलब क्या कि एक ही टीम में दो इम्पोस्टर रिलेशन वाले पर्सनस नहीं होने चाहिए तो अब यहाँ पे इनका और इनका इम्पोस्टर रिलेशन है इनका और इनका इम्पोस्टर रिलेशन है ठीक है तो इन चार को एक टीम में और इस एक को मुझे एक टीम में में ही रखना पड़ेगा और मैंने क्या बताया था में इनको भी कह सकते हैं ठीक है है तो बेसिकली हमें क्या करना है? कि दो टीम्स में डिवाइड करना है और ट्राई ये करनी है कि, कि किसी एक टीम में मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पर्सन आ जाए और आपस में किसी का इम्पोस्टर रिलेशन ना हो तो वही हमारे वो जो ग्रुप होगा वही इम्पोस्टर हो जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इंपोस्टर्स का ग्रुप तो अगर मैं यहां पे देखूँ तो ये अभी वैलिड है ठीक है यहां से चार यहां पर ठीक है लेकिन अगर यहाँ पे तीन है मतलब ये जो चंक है ये चंक ऑफ पीपल है ठीक है इनका और इनका कोई रिलेशन नहीं है ये दूसरा चंक है ठीक है तो इनका और इनका कोई रिलेशन नहीं है तो इनमें दोनों साइड में से जो मैक्सिमम था वो अगर लेफ्ट साइड में है तो इन दोनों में जी भी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल वाला साइड है जो कि चार है उनको भी अगर मैं लेफ्ट साइड ले लूँ या तो मैं इसको राइट साइड ले लूँ कहने का मतलब क्या है कि जो मैक्सिमम नंबर वाला है उसको मैं एक साइड ले लूँ तो उस साइड नंबर ऑफ पीपल भी मैक्सिमाइज हो जाएंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा मैक्सिमम पॉसिबल इन के लिए मतलब कि इन चार को मैं यहां पे ले लेता हूं यहां पे इस परसन को ले लेता हूं अब यहां गए सेवन से, है। इसका मतलब हमें सभी पीपल के बीच में रिलेशन नहीं दिया गया है तो हमें क्या करना है जो चंक्स ऑफ पीपल है जिनके बीच में हमें रिलेशन पता है ठीक है उनमें से जो मैक्सिमम है उनको एक तरफ लेना है उनको हमारे आंसर में ऐड कर देना है और जो बाकी के हैं उनको निगलेक्ट कर देना है ठीक है तो अगर ये चंक है उनकी जगह में और एक वर्ड यूज करूं ये जो एक डिस्ज्वाइंट सेट ऑफ पीपल है ठीक है ऐसा एक वर्ड यूज कर सकते हैं या तो क्या कह सकते हैं ये एक कनेक्टेड कंपोनेंट है किसका एक ग्राफ का ये नोट से और उनके बीच में जो रिलेशन है वो एजिस है तो ये एक कनेक्टेड कंपोनेंट है ये एक कनेक्टेड कंपोनेंट है तो सभी कनेक्टेड कंपोनेंट्स को अब इनका आपस में तो कोई रिलेशन है नहीं क्योंकि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन तो दिए नहीं है ठीक है मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ये और ये क्रूमेट है तभी तो मैक्सिमम पॉसिबल बोला है ठीक है और कॉन्ट्रेडिक्शन नहीं होना चाहिए वो कैसे होता है वो भी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं तो हमें बेसिकली आइडिया मिल गया है करना क्या है पीपल को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है एक साइड जो भी चंक्स है मतलब कनेक्टेड कंपोनेंट ऑफ पीपल है जिनके बीच में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी रिलेशन दिया है इम का या क्रूमेट का उनको विदाउट कॉन्ट्रेडिक्शन दो पार्ट्स में डिवाइड करना है सभी कनेक्टेड कंपोनेंट्स के मैक्सिमम को एक तरफ लेना है मिनिमम को एक तरफ लेना है और मैक्सिमम वाले को एडअप कर देंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है ओके अब पहले ये देख लेते हैं कि कॉन्ट्रेडिक्शन कैसे होता है देखो ये एक पर्सन है वन ये कहता है कि मेरा टू के साथ इंपोस्टर रिलेशन है टू कह रहा है कि मेरा थ्री के साथ इम्पोस्टर रिलेशन है थ्री कह रहा है मेरा फोर के साथ इंपोस्टर रिलेशन है फोर कह रहा है मेरा फाइव के साथ इंपोस्टर रिलेशन है फाइव कह रहा है मेरा सिक्स के साथ इम्पोस्टर रिलेशन है ठीक है तो वन का टू के साथ इम्पोस्टर रिलेशन है टू का थ्री के साथ है लेकिन वन और थ्री के बीच में कोई रिलेशन डिरेक्टली गिवन नहीं है सिमिलरली वन एंड फोर के बीच में भी कोई रिलेशन डिरेक्टली गिवन नहीं है तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ क्या वन एंड थ्री सेम टीम में रह सकते हैं क्या वन एंड फोर सेम टीम में रह सकते हैं क्या वन एंड फाइव सेम टीम में रह सकते हैं क्या वन एंड सिक्स सेम टीम में रह सकते हैं ओके okay. अब वन एंड टू के बीच में कॉन्ट्रेडिक्शन है मतलब इम्पोस्टर रिलेशन है तो इनको अलग टीम में रख दो सॉरी कॉन्ट्रेडिक्शन नहीं इम्पोस्टर रिलेशन इनको मैंने अलग टीम में रख दिया अब वन एंड थ्री सेम टीम में रह सकते हैं कि नहीं रख के देख लेते हैं थ्री को यहाँ पे रखा अब थ्री को यहाँ पे रखा तो फोर को ऑब्वियसली यहाँ पे रखना पड़ेगा फोर को यहाँ पे रखा तो फाइव को ऑब्वियसली यहाँ पे रखना पड़ेगा फाइव को यहाँ पे रखा तो सिक्स को ऑब्वियसली यहाँ पे रखना पड़ेगा क्योंकि इन सभी के बीच में इम्पोस्टर रिलेशन है तो ये तो हम कर सकते हैं क्या वन एंड फोर को सेम टीम में रख सकते हैं देख लेते वन एंड टू को तो डिफरेंट टीम में ही रखना पड़ेगा अब वन एंड फोर को अगर सेम टीम में रखना है तो रख लो अगर फोर को मैंने यहाँ पे रखा है और थ्री और फोर के बीच में इम्पोस्टर रिलेशन है इसका मतलब थ्री को मुझे यहाँ पे ही रखना पड़ेगा क्लियर है लेकिन जैसे ही मैंने थ्री को यहाँ पे रखा है टू और थ्री के बीच में इम्पोस्टर रिलेशन है ये सेम टीम में रह नहीं सकते ये कॉन्ट्रेडिक्शन हो गया समझ में आया तो ये पॉसिबल नहीं है वन एंड फाइव सेम में रह सकते हैं यस रह सकते हैं वन एंड सिक्स रह सकते हैं नहीं रह सकते आप देख लो वन यहाँ पे है टू यहां पे है सिक्स को मैंने यहाँ पे रखा अब सिक्स को यहां पे रखा तो फाइव को यहाँ पे ही रखना पड़ेगा क्योंकि इनके बीच में इम्पोस्टर रिलेशन है फोर को यहां पे ही रखना पड़ेगा थ्री को यहां पे ही रखना पड़ेगा लेकिन टू एंड थ्री को सेम टीम में नहीं रख सकते क्योंकि इनके बीच में भी इम्पोस्टर रिलेशन है तो इनको भी हम नहीं रख सकते ठीक है तो ये पता चल गया अगर यहाँ पे ऐसा दिया हो कमेंट में कमेंट में अभी तक क्या दिया है कि वन एंड टू के बीच में इंपोस्टर है टू एंड थ्री के बीच में थ्री एंड फोर फोर एंड फाइव फाइव एंड सिक्स के बीच में इंपोस्टर रिलेशन है अगर कमेंट में दे दिया जाए कि फाइव एंड वन के बीच में इंपोस्टर रिलेशन है तो अब आप कुछ नहीं कर सकते अब वन एंड फाइव को डिफरेंट टीम में नहीं रख सकते वन और टू के बीच में इंपोस्टर रिलेशन है वन और फाइव के बीच में इंपोस्टर रिलेशन है फाइव को यहां पे रखना पड़ेगा फाइव एंड सिक्स के बीच में इंपोस्टर रिलेशन है सिक्स को यहां पे रखना पड़ेगा फोर एंड फाइव के बीच में इंपोस्टर रिलेशन है फोर को यहां पे रखना पड़ेगा थ्री एंड फोर के बीच में इंपोस्टर रिलेशन है थ्री को यहां पे रखना पड़ेगा टू एंड थ्री को साथ में रख नहीं सकते तो ये क्या है कि ये यू नो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते इस केस में हमें माइनस वन प्रिंट करना पड़ेगा क्योंकि जो कॉमेंट्स है वही कॉन्ट्रेडिक्टरी है ठीक है लेकिन जैसे कि अभी हमने पॉसिबिलिटी देखी तो हम इनको एक टीम में नहीं रखेंगे हम जबरदस्ती कॉन्ट्रेडिक्शन नहीं करेंगे अगर कमेंट्स के थ्रू हो रहा है तो बात अलग है ठीक है ओके अब वन थ्री और फाइव को सेम टीम में रख सकते हैं ये पता चल गया तो इसको अगर ठीक है ये इंप्लीमेंटेशन में देखेंगे अब फाइनल में हम थोड़ा सा कंसेप्ट में लास्ट एक बार समरी कर देते हैं सभी प्लेयर्स को हमें दो टीम्स में डिवाइड करना है ठीक है सच दैट इनके आपस में कोई भी इम्पोस्टर रिलेशन ना हो इनके भी आपस में कोई इम्पोस्टर रिलेशन ना हो सभी के सभी प्लेयर्स के बीच में रिलेशन नहीं दिया गया है कुछ रिलेशन मिसिंग है इसलिए हम क्या करेंगे जितने भी पर्सनस हैं ठीक है उनके बीच में जितनों के भी बीच में इम्पोस्टर या क्रूमेट डिरेक्टली इनडिरेक्टली रिलेशन है उनको एक कम कम कनेक्टेड कंपोनेंट या चंक ऑफ पीपल मान लेते हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे उनमें जो मैक्सिमम होगा उनको इस तरफ रखेंगे मिनिमम को इस तरफ रखेंगे ऐसा सभी चंक के लिए करेंगे चंक वन चंक टू चंक थ्री या तो कनेक्टेड कंपोनेंट के लिए फिर कुछ और लोग हो सकते हैं जिनका आपस में कुछ रिलेशन ना हो तो हम क्या करेंगे अज्यूम कर लेंगे कि क्रूमेट है तो इनको भी पहले दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे फिर मैक्सिमम इस तरफ रखेंगे मिनिमम इस तरफ रखेंगे अज्यूमिंग कि ये क्रूमेट रिलेशन है फिर थर्ड चंक होगा इनका भी मैक्सिमम इधर मिनिमम इधर फिर जो मैक्सिमम वाले पार्ट्स हैं उनको ऐड कर देंगे तो अगर सभी जो चंक्स है उनका उनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया तो अल्टीमेटली दो पार्ट्स में डिवाइड होगा अब सभी दो चंक के बीच में रिलेशन नहीं दिया तो हम क्रूमेट एज्यूम कर सकते हैं ठीक है इसका मतलब कॉन्ट्रेडिक्शन नहीं होगा इस तरह से अप्रोच करेंगे तो अगर जबरदस्ती हो रहा है तो बात अलग है तो सभी चंक को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एक तरफ रखेंगे दूसरी तरफ दूसरे पार्ट को रखेंगे सभी चंक के मैक्सिमम को एक तरफ रखेंगे सभी चंक के मिनिमम को एक तरफ रखेंगे ऐसा करने से क्या होगा कॉन्ट्रेडिक्शन भी नहीं होगा क्योंकि हम दो चंक के बीच में अज्यूम कर लेंगे कि वो क्रूमेट है दो चंक के मैक्सिमम के बीच में और अगर मैक्सिमम एक तरफ है सभी के मिनिमम एक तरफ है तो अगर सभी मैक्सिमम को हम ऐड कर देंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्पोस्टर्स ठीक है क्योंकि सभी चंक के मैक्सिमम ले लिए और उनको ऐड कर दिया तो ओवरऑल भी हमें मैक्सिमम पॉसिबल ही मिलेगा ठीक है अब चलते हैं इसके इंप्लीमेंटेशन पे कि ऐसा इंप्लीमेंट कैसे करेंगे ओके okay, तो अब बात करते हैं इंप्लीमेंटेशन की तो पहले तो हमें अगर दो ग्रुप्स में डिवाइड करना है एक तरफ मैक्सिमम है एक तरफ मिनिमम लेन है ठीक है एक तरफ सभी मैक्सिमम लेने हैं उन चंक्स ऑफ पीपल के लिए तो वो जो अलग अलग चंक्स होंगे उनके बीच में तो कुछ रिलेशन नहीं दिया तो इसको देख के हमें लग रहा है कि कुछ नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स इन अ ग्राफ पे हम वर्क कर सकते हैं पहली चीज मतलब ये अलग अलग कंपोनेंट्स हो गए ग्राफ के ये एक कनेक्टेड कंपोनेंट है जिनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है ये एक कनेक्टेड कंपोनेंट है ये एक कनेक्टेड कंपोनेंट है इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है ठीक है सेकंड हमें ये देखना है कि एक कनेक्टेड कंपोनेंट्स को दो पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे ठीक है और कॉन्ट्रेडिक्शन हो रहा है कि नहीं ओके अब मान लो मैं टीम के नेम दे देता हूं जीरो एंड वन ठीक है तो अगर पर्सन ए है वो टीम नंबर जीरो में है और टीम नंबर वन में है ठीक है तो उसका क्रूमेट होगा और इम्पोस्टर होगा मैंने इन टीम्स को नाम दे दिया है उसका इम्पोस्टर टीम नंबर वन में होगा अगर पर्सन ए है वो टीम नंबर वन में है तो उसका इम्पोस्टर टीम नंबर जीरो में होगा क्रूमेट टीम नंबर सॉरी इम्पोस्टर टीम नंबर ज़ीरो में होगा और क्रूमेट टीम नंबर वन में होगा ये बात समझ में आ रही है ठीक है अगर हम क्रूमेट को देखें तो वो एज इट इज़ रह रहा है मतलब ये जीरो तो ये ज़ीरो ये वन तो ये वन अगर हम इम्पोस्टर को देखें तो ये चेंज हो रहा है ज़ीरो वन वन ज़ीरो ऐसा कब होता है जब हम एक्सोर रिलेशन देखते हैं मतलब कि यह ज़ीरो वन यह ज़ीरो वन और मुझे एग्जोर रिलेशन लेना है तो जीरो और जीरो का एक्जोर रिलेशन जीरो जीरो और वन का एक्सोर रिलेशन वन वन एंड जीरो का एक्जोर रिलेशन वन वन एंड वन का एग्जोर रिलेशन जीरो तो ये जो जीरो है वो नंबर्स को एज इट इज रखता है ये जीरो वन है ये भी ज़ीरो वन है वन है वो नंबर्स को फ्लिप कर देता है तो क्रूमेट जो है उसको अगर हम ज़ीरो से रिप्रेजेंट करें और इम्पोस्टर है उसको अगर हम वन से रिप्रेजेंट करें और जब हम ए प्लेयर पे हो मान लो उसका टीम नंबर है जीरो, ठीक है और वो बी की तरफ जा रहा है क्योंकि हमें क्या अभी कनेक्टेड कंपोनेंट्स पे काम करना है तो ग्राफ भी बनाना पड़ेगा ग्राफ कैसे बनेगा कमेंट्स से कमेंट्स क्या है रिलेशन है या तो इम्पोस्टर या क्रूमेट तो इससे हमें क्या पता चलता है कि क्रूमेट को जीरो रिलेशन देना है इम्पोस्टर को वन रिलेशन देना है तो ए से मैं बी की तरफ मूव हो रहा हूँ और अगर ए और बी है वो जो है कमेंट्स में इंपोस्टर दिए है तो मैं इस एज का वेट वन रख दूंगा फिर जब मैं यहाँ से यहाँ ट्रैवर्स करूँगा तो इसके साथ इसका टीम नंबर मैं एग्जोर कर दूंगा तो अगर इसका टीम नंबर जीरो है तो जीरो एग्जोर वन वन हो जाएगा इसका टीम नंबर वन है तो वन एग्जोर वन जीरो हो जाएगा तो ये अगर इम्पोस्टर है तो फ्लिप हो गई टीम और अगर मैं सी की तरफ जा रहा हूं जो कि क्रूमेट्स है कॉमेंट्स में दिया गया है कि ए और सी क्रूमेट्स है तो मैं एज का वेट जीरो रखूंगा तो जीरो एक्रो जीरो, जीरो, और वन और वन वन तो यहां पे सेम टीम रहेगी क्योंकि क्रूमेट्स है तो जीरो और जीरो, जीरो जीरो वन जीरो 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 और जीरो वन और यहाँ पे फ्लिप हो जानी चाहिए टीम जीरो एक् वन 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 एक्र वन जीरो इतना समझ में आ गया अब हमें कनेक्टेड कंपोनेंट्स पे काम करना है तो हम क्या कर सकते हैं मान लो कोई एक कनेक्टेड कंपोनेंट है ठीक है उसको मैंने ट्रावर्स करना स्टार्ट किया ठीक है उसमें दो टीम्स होगी एक जीरो नंबर की टीम एक वन नंबर की टीम ठीक है मान लो ये एक चंक ऑफ पीपल है ठीक है एक कनेक्टेड कंपोनेट है ये वन है ये सीरो है ये जीरो है ये वन है ये वन है ये जीरो है ठीक है अब मैंने क्या किया काउंट ऑफ जीरो क्या है टीम नंबर जीरो और वन मैंने इस तरह से दो टीम्स डिवाइड कर लिया है तो टीम नंबर जीरो को भी इनिशियली जीरो कर दिया और टीम नंबर वन को भी इनिशियली जीरो कर दिया मतलब इनमें इतने मेंबर्स है ठीक है अब मैं यहां से ट्रेवल्स करना स्टार्ट करूंगा ठीक है मान लो मैं डीएफएस अप्लाई कर देता हूं और मैंने ये किस तरह से बनाई है एजिस कमेंट्स के थ्रू अगर इमोस्टर रिलेशन है तो वन अगर क्रूमेट uh, uh, है तो जीरो क्यू वो आपको समझ में आ गया अब मान लो एक है हमारे पास एरे टीम का ठीक है टीम तो मान लो ये आई थी इंडेक्स है। तो टीम ऑफ आई को मैंने जीरो से इनिशियलाइज कर दिया तो अब मैं डीएफएस ट्रेवल्स करना स्टार्ट करूंगा तो इसको मैंने ट्रावर्स किया तो ये पहले तो मान लो मैं कहता हूं कि ये टीम में है। है? टीम इक्वल टू जीरो।, तो जीरो क्या हो गया वन अब मैं यहां से यहां ट्रावर्स करूंगा तो एक्सोर वन हो जाएगा तो इसका टीम नंबर क्या हो जाएगा वन तो इसका काउंट भी बढ़ जाएगा ठीक है अब मैं यहां से यहां ट्रावर्स करूंगा यहां से मैंने यहां पे जैसे ही ट्रावर्स किया तो ये जीरो है मतलब ये सेम टीम में होने चाहिए तो ये भी जीरो है जीरो एक्स और जीरो जीरो जब भी हम किसी नोड को विजिट करेंगे तो उसका अगर टीम काउंट जीरो है तो काउंट ऑफ जीरो को बढ़ा देंगे अगर टीम काउंट वन है तो वन को बढ़ा देंगे अभी हम यहां पे है अब हम यहां से यहां गए इसका टीम काउंट है जीरो जीरो एक्स और वन मतलब यहां पे वन आ जाएगा मतलब इसका टीम काउंट है वन ये फर्स्ट नंबर की टीम में है तो इसका भी काउंट बढ़ गया फिर यहां से यहां ट्रावर्स करेंगे इसका टीम काउंट क्या था जीरो जीरो, एक जीरो। इसका टीम काउंट भी क्या होगा जीरो ये विजिट हो गया ये विजिट हो गया ये ये और ये इसका काउंट जीरो हो गया तो ये हो गया थ्री ठीक है अब यहां पे आए इसका काउंट जीरो था यहां पे रिलेशन जीरो है तो इसका काउंट भी जीरो रहेगा ये हो गया फोर अब इनके बीच में रिलेशन वन है मतलब इम्पोस्टर है तो अगर ये टीम काउंट जीरो और वन कैसे इनिशियल जहां से हमने स्टार्ट किया था ट्रावर्स करना उसको अज्यूम कर लिया टीम नंबर जीरो फिर ट्रावर्स करते गए अगर एज का वेट आया वन तो एक्सोर वन कर लिया टीम नंबर चेंज हो गया अगर जीरो है तो एक्स और जीरो टीम नंबर सेम रहेगा किसी नोड को विजिट करने पे, उसका जो भी टीम नंबर होगा उसके अकाउंट को इंक्रीमेंट कर दिया तो यहां पे आ गया फोर और यहां पे आ गया थ्री ठीक है तो इसमें से हम क्या करेंगे आंसर इक्वल टू आंसर प्लस फोर ठीक है क्योंकि दो टीम्स है तो एक तरफ इसके मैक्स को लेना है एक तरफ मीन को तो मैंने मैक्स को ले लिया अब मान लो कोई और है कोई एक और कनेक्टेड कंपोनेंट है ठीक है उसमें भी अगर हम इसी तरह का रन करेंगे रिलेशंस दिए गए हैं हमने क्या एज्यूम किया नोट से वो पर्सन से एजी से वो रिलेशन डिनोट करती है वन मतलब इम्पोस्टर जीरो मतलब क्रूमेट अब अगर मान लो किसी और के लिए काउंट ऑफ जीरो आया टू और काउंट ऑफ वन आया फाइव तो इस केस में यहां पे जीरो को लिया था तो यहां पे भी जीरो को लोगे क्या नहीं ये जीरो और वन तो क्या है सिर्फ डिनोट दी, कर रहे हैं हम कि टीम नंबर जीरो टीम नंबर वन ठीक है लेकिन सभी कनेक्टेड कंपोनेंट्स एक दूसरे से इंडिविजुअल है मतलब कि इस कनेक्टेड कंपोनेंट का इस कनेक्टेड कंपोनेंट के साथ कोई रिलेशन दिया ही नहीं है कॉमेंट्स में ठीक है तो हम क्या अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे जो मैक्सिमम काउंट वाले हैं ये चार लोग वो यहां के मैक्सिमम काउंट वाले पांच लोग हैं उनके साथ क्रू है, क्योंकि कोई रिलेशन ही नहीं दिया है, ये जीरो और वन तो सिर्फ डिनोट करने का तरीका है तो हम क्या करेंगे आंसर इक्वल टू आंसर प्लस फाइव ठीक है अब ये हो गया कनेक्टेड कंपोनेंट्स के लिए अब फाइनली एक सूडो कोड में दिखा देता हूं पूरे कोड का स्टार्ट से लेके एंड तक बेसिकली हमें एन दिया गया है और एन दिया गया है तो हम क्या करेंगे पहले तो एडजस्टेंसी लिस्ट बनाएंगे एन की तो एन प्लस वन साइज का डी हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा क्योंकि जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होता है फिर अगर आई और जे के बीच में इम्पोस्टर का रिलेशन है तो इनके बीच में आई की एडजस्टेंसी लिस्ट होगी उसमें मैं जे कोमा वन को स्टोर कर दूंगा और जे की एडजस्टेंसी लिस्ट में आई कोमा वन को ये वन क्या डिनोट करता है इम्पोस्टर रिलेशन है फिर अगर आई और जे के बीच में क्रूमेट का रिलेशन है तो आई की एडजस्टेंसी लिस्ट में जीरो जे कोमा जीरो एड कर दूंगा और जे की एडजस्टेंसी लिस्ट में आई कोमा जीरो ठीक है अब मैं क्या करूंगा मुझे सभी कनेक्टेड कंपोनेंट्स चाहिए ठीक है तो मान लो मैं टीम एक एरे लेता हूँ टीम ऑफ एन प्लस वन इसमें सभी को माइनस वन से इनिशियलाइज कर देता हूँ माइनस वन मतलब कौन सा कि अभी तक उनको कोई टीम ही असाइन नहीं हुई है फॉर आई इक्वल्स टू वन आई तेन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस इफ टीम ऑफ i इक्वल टू इक्वल टू माइनस वन मतलब अभी तक विजिटी नहीं हुई है ठीक है तो पहले तो मैं क्या करूंगा इसकी टीम में इनिशियलाइज कर दूंगा टीम ऑफ आई इक्वल टू जीरो से ठीक है फिर मैं डीएफएस अप्लाई कर दूंगा ठीक है आईथ इंडेक्स पे एडजेसेंसी जो लिस्ट है वो पास कर दूंगा और ये टी मेरे पास कर दूंगा ठीक है और एक हम रख सकते हैं एरे सी ऑफ टू या तो काउंट ऑफ टू जो कि डिनोट करेगा कि काउंट जीरो है या वन है ठीक है तो मान लो और एक मैं एरे रखता हूं काउंट ये काउंट टू साइज का है बेसिकली डिनोट करेंगे कि जीरो टीम में कितने मेंबर है और फर्स्ट टीम में कितने हैं और डी एफ एस लगाने से पहले हर बार इनको काउंट ऑफ ज़ीरो इक्वल टू काउंट ऑफ वन इक्वल टू जीरो दोनों टीम्स को ज़ीरो करना पड़ेगा फिर मैं डी एफ एस लगाऊंगा फिर जैसा कि मैंने बताया ट्रावर्स करेंगे नॉर्मल डी एफ एस की तरह लेकिन जब यहाँ पे वन होगा तो टीम चेंज हो जाएगी ज़ीरो होगा तो टीम चेंज नहीं होगी और हर बार जब हम किसी नोड को विजिट करेंगे तो काउंट ऑफ टीम ऑफ आई प्लस प्लस कर देंगे मतलब टीम जीरो का प्लस होगा या टीम वन का प्लस होगा फिर यहां पे आंसर इक्वल टू आंसर प्लस मैक्स ऑफ काउंट ऑफ जीरो और काउंट ऑफ वन ठीक है तो सभी जो कनेक्टेड कंपोनेंट्स है उनका काउंट है वो ऐड होता जाएगा मैक्सिमम वाला और अल्टीमेटली दो टीम्स में डिवाइड हो जाएंगे पूरे पर्सनस इनमें आपस में इम्पोस्टर का रिलेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं होगा और जितने भी कनेक्टेड कंपोनेंट्स होंगे उनका मैक्स इस तरफ होगा मीन इस तरफ होगा और मैक्स जो भी है उनको हम आंसर में ऐड करते जा रहे हैं तो हम जैसे ही यहाँ पे बाहर आएंगे हमारे पास आंसर होगा उनमें इन सभी मैक्स का सम होगा तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्पोस्टर्स मिल जाएंगे इनके लिए ये इम्पोस्टर है इनके लिए ये इम्पोस्टर है एक चीज जो रह गई वो है कॉन्ट्रेडिक्शन मतलब जब हम इंप्लीमेंट करेंगे तो कॉन्ट्रेडिक्शन कैसे आ सकता है देखो इंप्लीमेंट करोगे तो कॉन्ट्रेडिक्शन कैसे आ सकता है जब हम डीएफएस अप्लाई करते हैं तो अब हम क्या चेक करते हैं डीएफएस में कि ऑलरेडी विजिट है तो उसको फिर से विजिट मत करो दूसरे नोड की तरफ चले जाओ ठीक है तो ऑलरेडी विजिट है मतलब क्या टीम ऑफ आई होगा वो या तो जीरो होगा या वन होगा माइनस वन नहीं होगा ठीक है अब मान लो यहाँ पे कुछ ग्राफ है और ये कंपोनेंट है वो ऑलरेडी विजिट हो चुका है पहले अब जब मैं यहाँ पे आऊँगा ठीक है मान लो इसका टीम नंबर है वन और ये पहले से विजिटेड है और ये जब लास्ट टाइम विजिट हुआ था तो ड्यू टू अदर ग्राफ कंपोनेंट्स इसका टीम नंबर वन आया था क्योंकि वो तो डिपेंड करेगा ना कि यहाँ पर कौन सा कॉम्पोनेंट है इसका टीम नंबर क्या है फिर ये रिलेशन क्या है मैं एज्यूम करता हूँ कि इसका टीम नंबर वन आया था अब जब डी इस नोड पे लगेगा और अगर मान लो ये रिलेशन है वो वन है मतलब इम्पोस्टर रिलेशन है ठीक है अब इसका तो वन है पहले से ठीक है अब डी एफ एस अप्लाई होते होते रिकर्सिवली यहाँ तक पहुंचा और इसका भी टीम नंबर वन आया क्योंकि वो भी किस पे डिपेंड करेगा कि बाकी नोड्स का टीम नंबर क्या है फिर रिलेशन क्या है बेसिकली इसका टीम नंबर भी वन आया ड्यू टू अदर पार्ट ऑफ डीएफएस इसका टीम नंबर भी वन आया ड्यू टू सम अदर पार्ट ऑफ डी अब जब मैं इसके कनेक्टेड कंपोनेंट्स को चेक करूंगा रिकर्सिवली डी एफ कॉल करने के लिए कि वो विजिटेड है कि नहीं तब तो कॉन्ट्रेडिक्शन मैं कैसे चेक करूंगा कि अगर विजिटेड नहीं है मान लो ये माइनस वन है ठीक है तो तो ठीक है विजिट करके आगे डी एफ अप्लाई करो अगर विजिटेड है तो मैं ये चेक करूँगा कि उसका टीम नंबर कुछ होगा जीरो या वन मेरा टीम नंबर होगा कुछ जीरो या वन और हम दोनों के बीच में कुछ रिलेशन होगा तो माई टीम मतलब कि मान लो ये है एट जॉइंट ऑफ आई जे और ये है थ्री इंडेक्स ये उसका जेथ एट एलिमेंट है तो टीम नंबर ऑफ आई एक्जोर ये रिलेशन एक्सोर रिलेशन इक्वल टू इक्वल टू टीम नंबर ऑफ एट ऑफ आई जे मतलब कि अगर इसका टीम नंबर वन है रिलेशन वन है मतलब इम्पोस्टर है तो इसका टीम नंबर जीरो होना चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ऑलरेडी विजिटेड है तो कुछ ना कुछ तो टीम नंबर आया होगा अगर ये नॉट इक्वल है मतलब इसका टीम नंबर भी वन है रिलेशन इम्पोस्टर है मतलब ऑपोजिट टीम होनी चाहिए और इसका टीम नंबर भी वन है इसका मतलब क्या कि एक ही टीम में दोनों है लेकिन दोनों के बीच में इम्पोस्टर का रिलेशन है तो तब जाके कॉन्ट्रेडिक्शन हो जाएगा ठीक है और इस केस में हम क्या करेंगे हम एक बुलियन वेरिएबल लेंगे वैलिड करके जिसको इनिशियली ट्रू रखेंगे और जब भी ऐसी कंडीशन आएगी तो उसको फॉल्स कर देंगे फिर एंड में हम देखेंगे अगर वो फॉल्स है तो माइनस वन प्रिंट कर दो अगर फॉल्स ट्रू है तो आंसर को प्रिंट कर दो ठीक है आप कोड देखोगे आपको और क्लियर हो जाएगा कोड मैंने एज सिंपल एज पॉसिबल रखा है आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है कंसेप्ट भी क्लियर है और इसका इंप्लीमेंटेशन भी क्लियर है इसका जो सोल्यूशन कोड है वो मैंने कॉमेंट्स में प्रोवाइड किया है थैंक यू